गुड मॉर्निंग। एपिसोड अपने चल रहे हैं, कंटिन्यू टेंस चल रहे हैं। और चूंकि अपने कभी कभार मुलाकात होती है, बट जो टेंस के एपिसोड हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है। वेन एवर, वॉट एवर, जब कभी भी आपको लगे कि मुझे कुछ सीखना है और घर पे बैठ के सीखना, तो अपने मोबाइल में बस यूट्यूब पे क्लिक कीजिए और चले जाइए। इंग्लिश में टेंस सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो टेंस चल रहे थे। और पिछले एपिसोड में अपन ने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक सीख लिया था। तो चलो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में अपन आगे सीखते हैं कौन सा टेंस, वो एक प्रेजेंट का फोर्थ, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट का परफेक्ट है और उसमें कंटिन्यूअस दो चीजें साथ में ही, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो पहले तो मीनिंग समझे इसका। वैसे हिंदी का वर्डिंग अपन करेंगे तो क्या होगा, वर्तमान का कौन सा पूर्ण लगातार काल। लेकिन ये चीज नहीं है, वर्ड मीनिंग पे नहीं जाना इधर, क्योंकि टेंस क्या है आपने आगे देखे, टेंस क्या है, व्हाट इज द टेंस। यदि आपको कोई पूछे टेंस क्या है, इट इज द चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है। टेंस वर्ब की बदलती हुई फॉर्म है, टेंस वर्ब का रूप बदलना टेंस है। तो चलिए अपन एक चीज क्लियर करते हैं यहां पे कि प्रेजेंट टाइम में दो टेंस साथ में आ रहे हैं, परफेक्ट भी आ रहा, कंटिन्यूस आ रहा, तो इसको कैसे समझे। प्रेजेंट टाइम में जब काम का कुछ भाग परफेक्ट हो गया, परफेक्ट पूरा हो गया, और कुछ भाग कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। काम, सम पार्ट ऑफ द वर्क इज डन कंप्लीटली फिनिश्ड, बट द अदर पार्ट ऑफ द वर्क इज नाउ गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, तो वो क्या है, कंटिन्यूस। दो चीजें आपके टच में आई, एक तो परफेक्ट, दूसरा कंटिन्यूस, तो टेंस कौन सा हो गया। प्रेजेंट टाइम में यदि ऐसी चीजें हो कि काम का प्रेजेंट टाइम में कुछ भाग पूरा हुआ, अभी भी उसका जो बाकी का भाग है वो चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और हर टेंस में हमने चार पॉइंट डिस्कस किए, सीखे भी आपने, बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखा है। तो कौन कौन से, नंबर वन, अब तो आपको खुद को भी पता चल गया कौन से चार पॉइंट आएंगे, सर कौन से चार पॉइंट लेने वाले। नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू द टेंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों का साथ में ले, तो हिंदी का क्या आएगा, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कंटिन्यूस है, तो क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आदि आते हैं, आते ही आदि किया,
आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आते हैं, तो फिर ये तो कंटिन्यूस टेंस में भी आते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझिए, डिफरेंस ये है, यहां पे लिखना तथा तथा साथ में, तथा साथ में टाइम दिया हुआ होता है, समय दिया हुआ होता है, साथ में समय दिया हुआ होता है। ये उसमें कंटिन्यूस में नहीं था, कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये आते हैं, उसमें समय नहीं होता। क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें साथ में समय दिया होता। थोड़ा सा कभी कभी आपको ऐसे समझा देते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, ऐसे समझाते, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। से किसके लिए आ रहा है? वही कब से टाइम आएगा आगे, से रहा है, समझाने के लिए से रहा हूं। ये आपको समझना है, इसमें ऐसा नहीं कि फिक्स ही है कि ऐसा ही आए। तो टाइम दिया होता है, और टाइम जो दिया गया है, समय जो दिया गया है, वो टाइम वो समय दो प्रकार का होता है। टाइम इसके साथ में जो दिया होता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का समय होता है, दो प्रकार का टाइम दिया हुआ होता है, दो प्रकार का समय होता है। कौन कौन सा होता है? पहला डेफिनेट टाइम, डेफिनेट टाइम, और इसको हिंदी में लिखें तो निश्चित समय, निश्चित समय। और इसको हम डेफिनेट टाइम को निश्चित समय तो हिंदी का ले लिया अपन ने, इसको पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, समय का निश्चित बिंदु दे दिया जाए। दूसरे शब्दों में इसको काउंटेबल टाइम भी कहते हैं, काउंटेबल टाइम, इसको काउंटेबल टाइम भी बोल देते हैं, यानी समय के निश्चित बिंदु से ये काम चल रहा है। निश्चित बिंदु काउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं यहां से यहां तक, जैसे 10 बजे से पढ़ रहे हैं, 10 बजे से पढ़ रहे हैं, तो 10 बजे क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कैसा है? डेफिनेट टाइम। और इसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, तो क्या है ये? काउंटेबल टाइम। अब इस टाइम के साथ एक प्रीपोजिशन लगेगा, तो क्या देते हैं? निश्चित समय के साथ, डेफिनेट टाइम के साथ, डेफिनेट टाइम के साथ, निश्चित समय के साथ सेंस का प्रयोग होता है, सेंस का प्रयोग होता है, निश्चित समय के साथ में सेंस का प्रयोग करता है, सेंस का प्रयोग होता है, सेंस लगाना किसके साथ में? डेफिनेट टाइम में, जैसे सेंस 10 o'clock, सेंस मंडे, सेंस जनवरी, ये सेंस का प्रयोग करना है, सेंस लगाना। दूसरा टाइप टाइम का इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम, अनिश्चित समय, वो डेफिनेट टाइम है, ये अनिश्चित समय, अनिश्चित
समय, इनडेफिनेट टाइम, अनिश्चित समय, इसको क्या बोलते हैं? इसको दूसरे शब्दों में हम पीरियड ऑफ टाइम बोल देते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। समय का निश्चित बिंदु दिया है तो पॉइंट ऑफ टाइम है, वो डेफिनेट टाइम है, लेकिन समय का पीरियड दिया है, अवधि दे दी, समय की अवधि दे दी, तो फिर वो निश्चित समय नहीं रहा, फिर क्या हो गया? इनडेफिनेट टाइम हो गया, अनिश्चित समय हो गया। इसको अनकाउंटेबल टाइम भी बोल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते इस टाइम को, पता नहीं चलेगा कब से है, तो आप इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये अनकाउंटेबल टाइम है। यानी इनडेफिनेट टाइम क्या है? पीरियड ऑफ टाइम होता है और अनकाउंटेबल टाइम होता है। और इसमें क्या लिखेंगे? इनडेफिनेट टाइम के साथ, इनडेफिनेट टाइम के साथ, इनडेफिनेट टाइम के साथ फोर का प्रयोग होता है, फोर का प्रयोग होता है। ये लो सर, इनडेफिनेट टाइम के साथ किसका प्रयोग? फोर का प्रयोग। डेफिनेट टाइम के साथ किसका प्रयोग? सिंस का प्रयोग। फोर टू डेज, फोर थ्री मंथ्स, क्या दी होती है इसमें? अवधि। इसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये डिफरेंस है। तो क्या इंट्रोडक्शन हो गया इसका? इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, और उसके साथ में टाइम दिया होता है। टाइम दो प्रकार का है, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम, अनिश्चित समय। डेफिनेट टाइम के साथ में सिंस का प्रयोग और इनडेफिनेट टाइम के साथ फोर का प्रयोग। क्लियर, समझ में आया? तो ये तो पहला पॉइंट हुआ इस टेंस का इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन हुआ। नंबर टू, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या? दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी दो हेल्पिंग वर्ब थी, हैज और हैव, तो सेम हैज के साथ में बीन जोड़ दो, हैज बीन, और हैव के साथ में बीन जोड़ दो, have been, has been, have been। अभी यहां पे आपको थोड़ा सा फिर डिस्कस करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा था has का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो सेम has been का प्रयोग भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और have का प्रयोग आप करते थे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो have been का प्रयोग भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो क्यों ना इसको लिख लें, has been का प्रयोग, has been का प्रयोग किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कुछ समझ में आया आपको? has been का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? has been का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों, ये बात भी आपको समझ में आई क्या? पहला हुआ क्लियर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई प्लूरल के इक्वल मान लिया गया है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर यू उसको भी प्लूरल के इक्वल मान लिया गया, तो फिर बचा क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव बीन का प्रयोग, हैव बीन का प्रयोग
हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वो चाहे फर्स्ट पर्सन का है या सेकंड का है या थर्ड पर्सन का है। हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये लो सर। नंबर थ्री, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मेन वर्ब। मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ये मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना फिर लगाना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसमें आया था मेन वर्ब पता आपको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें भी यही मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, आपको सिखाया था मैंने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, कैसे ऐड करना, वो रूल बताए थे मैंने आपको, चार रूल, उनको भी याद रखना है। तो ये मेन वर्ब। तीन पॉइंट आपके आगे, इंट्रोडक्शन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गया, और अब लीजिए इसका सेंटेंस का पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो फोर पॉइंट नंबर फोर, पैटर्न, किस प्रकार से सेंटेंस का पैटर्न होगा। पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? किस आएगा? बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा, पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन, प्लस मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में समय के साथ में, समय निश्चित है तो सिंस, समय अनिश्चित है, इनडेफिनेट टाइम है तो फिर फोर, सिंस या फोर में से किसी एक का प्रयोग। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? नॉट जोड़ना, नॉट ऐड करना। और पता आपको नॉट कहां जुड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द हैं, हैज बी है, बीन भी है, हैव है, बीन है, तो नोट कहां लगाना? हमेशा हेल्पिंग वर्ब का जो मेन वर्ड है, मुख्य शब्द है, उसके साथ में नोट लगता है। तो हैज बीन में मुख्य शब्द क्या है? हैज, तो क्या होगा? हैज नॉट बीन, ये हेल्पिंग वर्ब। और हैव में जोड़ना हो तो Have not been, have not been, ये negative sentence हो गए। बाकी तो same आएगा आगे, verb की first form plus ing plus object plus since या for। ये negative sentence। और interrogative sentence हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो भी मुख्य शब्द आगे लेना। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पहले हैज आएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो पहले हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा शब्द बी, फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद समय, समय निश्चित है तो सिंस, समय अनिश्चित है
तो फोर, फिर टाइम, एट द एंड क्वेश्चन मार्क, बस इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। यू हैव टू लर्न दिस फोर पॉइंट्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंस, क्या आएगा हिंदी वाक्यों के अंत में, रहा है, रही है, रहे हैं, वो सेम, से रहा है, से रही है, और साथ में समय दिया होता है। समय दो प्रकार का, डेफिनेट टाइम जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम भी बोलते हैं, काउंटेबल टाइम भी होता है, उसके साथ सेंस का प्रयोग। दूसरा इंडेफिनिट टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, अनकाउंटेबल टाइम, इसके साथ और का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दो है, कौन कौन सी है, हैज बीन, हैव बीन, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, वो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद में पैटर्न, अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का, तीनों का आपने लिखा है, देखा है, अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। चलो एक एग्जांपल लेकर के इसको क्लियर करते हैं कि ये टेंस के सेंटेंस को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे बना सकते हो, किस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। तो चलिए लिखते हैं अपन, दो सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस हिंदी से ले, सूर्या नेम ऑफ ए बॉय, सूर्या सुबह से गेंद खेल रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्लूरल का, हम कई दिनों से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। एक और ले लूं क्या, प्रैक्टिस रहेगी। चार दिन से वर्षा हो रही है। चलिए जाओ, तीन सेंटेंस को अपन ट्रांसलेट करते हैं। पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, और क्योंकि मैंने आपको समझाया किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करो तो उसमें से तीन चीजें फाइंड आउट करो, पहला सब्जेक्ट, दूसरा उसका वर्ब, तीसरा उसका ऑब्जेक्ट। सूर्या सब्जेक्ट, खेलना वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, क्या खेल रहा है, गेम, के ऑब्जेक्ट। अब बना डालो इसको, बहुत इजी है। पहले उसका नाम लिखो, सूर्या सब्जेक्ट आ गया। अब सूर्या कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल, सूर्या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन, यहां पे लिखेंगे हैज बीन। फिर मेन वर्ब क्या है, प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ो, प्लेइंग, क्या खेल रहा है, बॉल, और समय दिया है सुबह से, निश्चित समय या अनिश्चित समय, डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम, कैसा समय हो, वो निश्चित समय है, डेफिनेट टाइम है, कभी सुबह से खेलते खेलते अभी शाम हो गई तो काउंट कर सकते हैं, तो ये कैसा टाइम है,
काउंटेबल टाइम। तो काउंटेबल टाइम के साथ में क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, यहां पे क्या आएगा, काउंटेबल टाइम डेफिनेट टाइम है तो क्या लिखेंगे, सिंस, क्या लिखेंगे, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका नेगेटिव बनाओ, बहुत इजी बनेगा, सूर्य हैज नॉट बीन, ये इसका नेगेटिव बन गया, हैज नॉट बीन प्लेइंग द बॉल सिंस मॉर्निंग। ये लो सर। और इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, हेल्पिंग वर्ब आगे ले लो, क्या हेल्पिंग वर्ब भाई, हैज सूर्य बीन प्लेइंग, हैज सूर्य बीन प्लेइंग द बॉल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ये लो साहब, ये पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। फिर दूसरे देखिए, हम कई दिनों से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, हम कई दिनों से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें ये सब्जेक्ट और स्टडी करना, ये वर्ब और ऑनलाइन, ये तो ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको बना डालो, ये भी सेंटेंस बनाएंगे, इसका अफर्मेटिव नेगेटिव डिस्कस कर लेंगे अपन। क्या आएगा पहले, पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, वी, और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, तो फिर क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग, वी हैव बीन, वी हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या, स्टडी, आईएनजी जोड़ो, स्टडी, फिर क्या लिखो, ऑनलाइन, वी हैव बीन स्टडिंग ऑनलाइन। फिर क्या दिया, समय, कैसा समय, कई दिनों से, निश्चित का निश्चित, इनडेफिनेट टाइम, कौन से, कई दिन, कितने दिन, गिन नहीं सकते, पीरियड ऑफ टाइम दिया, तो ये क्या है, इनडेफिनेट टाइम। अब इनडेफिनेट टाइम के साथ में क्या लगाएंगे, फॉर, और कई दिन, मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, बस। अब एक बार फिर से इसको देख लो, वी हैव बीन स्टडिंग ऑनलाइन फॉर मेनी डेज। चलिए साहब, इसको नेगेटिव बना के देखो, तो वी हैव नॉट बीन, यहाँ पे नोट लगा देंगे बस, और कुछ नहीं, मुख्य शब्द हैव है, इसके साथ नोट लगा देंगे, वी हैव नॉट बीन स्टडिंग ऑनलाइन फॉर मेनी डेज, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव बनाओ तो हैव को आगे लेंगे, हैव वी बीन स्टडिंग ऑनलाइन फॉर मेनी डेज, दैट सिंपल मेथड। लास्ट 30 सेंटेंस लो, चार दिन से वर्षा हो रही है, तो वर्षा होने के लिए इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। अब इट सब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो इट सब्जेक्ट के रूप में आया, तो इट के साथ में क्या आएगा, हैज, फिर क्या लिखेंगे, बी, इट हैज बीन, मुख्य शब्द क्या है, रेन, आईएनजी जोड़ो, रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है। समय क्या दिया, चार दिन, कौन से चार दिन, अनकाउंटेबल टाइम, इनडेफिनिट टाइम, तो फिर इसके साथ में क्या आएगा, फोर, फोर डेज,
बस इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 डेज, 4 दिन से वर्षा हो रही है। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई कि किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अपन बना सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इसका सेंटेंस का पैटर्न सीख सकते हैं। और घर से आपको कुछ वर्क करना है, कैसे क्या वर्क करना है वो देखिए। सेंटेंस बनाने आपको घर पे बैठ के, मैं एक महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। नंबर 2, लोग कई घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तीसरा, दादाजी 7 बजे से अपने अखबार पढ़ रहे हैं। फोर्थ, अध्यापक जुलाई से अध्यापक जुलाई से पढ़ा रहे हैं। नंबर 5, मम्मी एक सप्ताह से घर साफ कर रही है। दीज 5 सेंटेंस। चलो कोई हार्डवर्ड है तो देख लेते हैं। मैं एक महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। क्या वर्ब सीखना, क्या कहेंगे इंग्लिश में? लर्न, आईएनजी जोड़ना, लर्निंग। और ये टाइम, 1 महीना, 1 मंथ। अब ये आपको सोचना है, डेफिनेट टाइम है या इनडेफिनेट टाइम है। फिर दूसरा सेंटेंस, लोग कई घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वर्ब इंतजार करना, वेट, आईएनजी से में जोड़ना है, वर्ब में। ऊपर क्या आ जाएगा? लर्निंग। इधर क्या आ जाएगा? वेटिंग। दादाजी 7 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं। पढ़ना, रीड, ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख रहा हूं, रीडिंग। 7 बजे से, ये समय, 7 बजे से, यहां पे कई घंटों से। कैसा समय? 7 बजे से, डेफिनेट या इनडेफिनेट? सोचना, फिर लिखना, देखते हैं क्या करते हो।
अध्यापक जुलाई से, जुलाई से, जुलाई ये पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना पढ़ना ये पढ़ना, रीड पढ़ाना टीच। और मम्मी एक सप्ताह से घर साफ कर रही है, घर साफ करना क्लीन, क्लीन का मतलब साफ करना, बस ये वर्ब आ गई। और कोई हार्डवर्ड इसमें कुछ भी नहीं है, एक सप्ताह 1 वीक, जुलाई को जुलाई लिखना है, 7 बजे से 7 o'clock। तो ये 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो मेरे से कांटेक्ट करना और इसको अच्छे तरीके से सीखना, क्योंकि प्रेजेंट के 4 टेंस हो गए हैं। तो अच्छे से सीख करके फिर कांटेक्ट करना। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।